नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है बी योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, बी योर बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। अच्छा, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है, लेकिन इसकी फिलोसफी टोटली अलग है। ये कहता है सबसे अच्छे दोस्त अपने बने। अब हम देखेंगे, हम तो कहेंगे भाई ये तो सेल्फिशनेस हो गई। यहाँ वो सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो सेल्फ डिवेलपमेंट की बात कर रहा है। आगे देखें, ब्रैकेट में लिखा हुआ है टुगेदर वी हैव टू ग्रो। वो कहता है कि जी आप हमेशा दुनिया को कहते रहते हैं कि जी मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, या फलानी से पूछते हैं आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ये वो। वो कहता है कि जब तक आप अपने अच्छे दोस्त नहीं ना बनते, तो दुनिया भी आपके अच्छे दोस्त नहीं बनेगी। वो कहता है कि टुगेदर वी हैव टू लर्न ग्रो। हमेशा उड़ने वाला उड़ने वाले को दोस्त बनाएगा, चलने वाला चलने वाले को दोस्त बनाएगा, और जो रुका हुआ शख्स है वो रुके हुए को बनाएगा, और रींगने वाला ही रींगने को बनाएगा। वो कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप उड़ने वाले हैं ना, तो जो चलने वाला है वो अपने आप ही नीचे हो जाएगा। तो अगर आप उड़ने वाले तो आपको जो दोस्त मिलेंगे वो भी सब उड़ने वाले ही मिलेंगे, लेकिन कब, जब पहले आप अपने दोस्त बनेंगे। वो कहता है कि हमने अच्छा, वो कहता है इंसान की एक बहुत बड़ी गलती है, जितने भी दुनिया के इंसान हैं ना उनकी फिलोसफिकल माइंड में गलती है कि वो उड़ने वाले लोगों से चलने की तवक्का लगाते हैं, चलने वाले लोगों से रींगने की तवक्का लगाते हैं, और रींगने वाले लोगों से फिर उड़ने की तवक्का लगाते हैं। यानी हमने गलत इंसान से तवक्कोहात लगाई होती हैं, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया होता है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तो सर आपके लिए क्या करेगा। इसीलिए वो कहता है कि अपने सबसे अच्छे दोस्त बने, सबसे अच्छे दोस्त अपने बने, यानी अपने बारे में देखे ना। अच्छा, ये फिलोसफी ना मुझे जब मैंने 2018 में ये किताब पढ़ी थी सर, क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन पता ही मुझे कब क्लियर हुई, जब 2016, 17, 18, 19, 20 तक, क्योंकि मेरे 2-3 कज़न भी आए, इनको पता, हमारे ख़ानदान में ना अबूबकर भाई लगातार डेथ हुई, और जिनकी भी हुई ना सब यंग थे, सब यंग की, मतलब 25 साल, 20 साल, 24 साल, 40 साल। तो बड़ा अजीब सा ना, लेकिन ना जितनी भी डेथ हुई ना, तो मुझे एक जुमला कॉमन सुनने को मिला। अब वो क्या मिला, जिसकी भी डेथ होती थी ना, मैं देखता था पूरा ख़ानदान जमा होके ना, कहता था सबसे नेक यही, पक्का जन्नती, पक्का ये। अच्छा, मैं बड़ा हैरान था, दुनिया में तो ये जब ये तब तक ये इसको जिंदा था, इन्हीं के मुँह से मैं इनकी बड़ाई सुन रहा था, आज ये मर गया तो सबके सब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा, मुझे ये समझ आई, लॉजिक ये है कि हर किसी को ना दूसरे की आखिरत की फिक्र है। तो जब तक आपको अपने आखिरत की फिक्र नहीं होगी ना, तो आप किसी और की आखिरत की फिक्र करें तो सर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए टॉनी रॉबिन्स यहाँ पे कहता है बी योर बेस्ट फ्रेंड, यानी अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। जो अपना दोस्त नहीं है वो कहता है वो किसी का दोस्त नहीं है, वो लाख बोले किसी का दोस्त है। जो खुद का भला नहीं कर सकता सर, वो किसी का क्या भला करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करें।